हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगी। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईसीआर पीएचडी के मॉपअप राउंड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो उनका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ है। तो वो अभी वैकेंट सीट पे मॉपअप राउंड में यदि पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो क्या रूल एंड रेगुलेशन है कि कौन कौन स्टूडेंट्स है वो आपकी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वैकेंट सीट कब तक रिलीज होगा और साथ ही साथ मॉपअप राउंड के लिए क्या आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा या नहीं करना होगा। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे पेड काउंसलिंग में ज्वाइन होना चाहते हो तो स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपना रैंक कार्ड सेंड करके वहां पे डिस्कस कर सकते हो कि आपको सीट अलॉटमेंट होने के चांसेस है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट icradmission.is पे आना होगा। इसी पे आपका वेकेंट सीट है वो जारी होगा। ओके, वेकेंट सीट जारी होने के बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कौन कौन स्टूडेंट्स है वो पार्टिसिपेट करने वाला है, इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे जिनको अभी तक जो है सीट नहीं मिला हो। ठीक है, और जिनका मतलब फोर्थ राउंड में, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड को सीट नहीं मिला तो वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, या किसी स्टूडेंट्स को फोर्थ राउंड में सीट मिला हो लेकिन उन्होंने फीस पेमेंट नहीं किया हो तो वो स्टूडेंट्स मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। और तीसरा, वह स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो। आईसीआर का जब फर्स्ट राउंड हो रहा था तब उसने यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो स्टूडेंट्स मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब वैकेंट सीट कब तक आएगा इसके हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है शेड्यूल मिल जाएगा, उस पर आप देख सकते हो। सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है कि कब आपका मॉपअप राउंड होगा। मॉपअप राउंड की जो डेट है वो 19 तारीख है। 19 तारीख से आपका मॉपअप राउंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके डिस्प्ले पे 19 तारीख को वैकेंट सीट है वो आ जाएगी। यहाँ पे जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ठीक है, तो सिर्फ वही स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करेंगे जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। रजिस्ट्रेशन यदि आपने कर रखा है तो मॉपअप राउंड के लिए आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ चुकी है। यदि किसी स्टूडेंट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तो वही स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहले से रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर रखा है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, सिर्फ चॉइस फिलिंग करेंगे। ओके, और इसकी लास्ट डेट है मॉपअप राउंड की 22 तारीख। तो 19 से 22 तक आपका मॉपअप राउंड चलने वाला है जिसमें आप पार्टिसिपेट ले सकते हो। ठीक है, अभी आपकी कितनी भी रैंक हो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं वैकेंट सीट को देख के। ठीक है, आपका कौन से कोर्स में कितना वैकेंट रहा है, कौन सी कैटेगरी में कितना वैकेंट रहा है, वो सारा वैकेंट सीट है वो 19 तारीख को रिलीज किया जाएगा। तो आई होप इस चीज से बस सब समझ में आ चुकी है। 19 तारीख तक आपको वेट करना है और उसी के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब जिस स्टूडेंट्स को हमारी टीम के साथ ऐड होना है, काउंसलिंग पर पार्टिसिपेट करना है, तो वो यहाँ पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे मॉपअप राउंड के दिन ही, उसी दिन हम बताएंगे कितना सीट आपका वेकेंट है, कितना किस कोर्स के लिए। ओके, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस आपको हेल्प कर देंगे। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।